भाइयों और बहनों, हमारा पंजाब सीमावर्ती राज्य है। इसकी सुरक्षा, इसकी शांति देश की एकता अखंडता के लिए जरूरी है। इसलिए पंजाब को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो देश की सुरक्षा के लिए गंभीरतापूर्वक कदम उठाए और राज्य को सुरक्षा दे। कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि वो कभी पंजाब के लिए काम नहीं कर सकती, और जो काम करना भी चाहता है वो उसको आगे हजार रोड़े खड़े कर देती है। और अभी अभी कांग्रेस के नेताओं के बयान से पता चलता है कि उन्होंने कैप्टन साहब को क्यों हटाया। उन्होंने खुद कहा है कि पंजाब सरकार को हम नहीं चलाते थे, कैप्टन साहब की सरकार को दिल्ली के नेता कह रहे हम नहीं चलाते थे, भारत सरकार चला रही थी। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस की सारी सरकारें रिमोट कंट्रोल से चलती है, दिल्ली से एक परिवार चलाता है, संविधान के आधार पर वो राज्य सरकारें नहीं चलती है। और कैप्टन साहब ने फेडरलिज्म के सिद्धांत के अनुसार अगर भारत सरकार के साथ मिलकर के काम किया, और भारत सरकार ने अगर पंजाब के साथ मिलकर के काम किया, तो भारत के संविधान के अनुरूप काम किया कि नहीं किया? भाई किया कि नहीं किया? हमने संविधान का आदर किया कि नहीं किया? हमने फेडरलिज्म का आदर किया कि नहीं किया? यहां कांग्रेस के नेता आकर के कहते थे कि कैप्टन साहब हमारी नहीं सुनते थे, भारत सरकार से, भारत सरकार और कैप्टन साहब की सरकार मिलकर के पंजाब को आगे बढ़ाना चाहती थी, ये रोड़े अटकाते थे। और जब रोड़े अटकाने की उनकी ताकत इतनी बढ़ गई कि आखिर उन्होंने कैप्टन साहब को ही विदा कर दिया। भाइयों बहनों, हम पंजाब के लिए, सरकार किसी की भी हो, हम फेडरल स्ट्रक्चर में विश्वास करते हैं। हिंदुस्तान के हर राज्य का भला करना ये भारत सरकार का दायित्व है, हमने प्रयास किया। लेकिन कोई परिवार रिमोट कंट्रोल से सरकारें चलाए, संविधान की परवाह न करे, तब तो देश में तनाव ही पैदा होगा, और यही काम ये परिवार कर रहा है। भाइयों बहनों, हमारे गुरुओं ने, संतों ने कहा है, पाप का घड़ा जब भरता है तो फूटता भी है। और कांग्रेस को उसके कर्मों की सजा मिल ही रही है। आप देखिए आज कांग्रेस पार्टी की क्या गति है। आज उनकी अपनी ही पार्टी बिखर रही है। कांग्रेस के ही लोग अपने नेताओं की सारी पोल पट्टी खोल रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपस में लड़ रहे लोग पंजाब को स्थिर सरकार दे पाएंगे क्या? पूरी ताकत से जवाब दीजिए, स्थिर सरकार दे पाएंगे क्या? पंजाब का भला कर पाएंगे क्या? पंजाब के सपने पूरे कर पाएंगे क्या? अपनी कुर्सी बचाने में जुटे ये लोग पंजाब का विकास कर पाएंगे क्या? साथियों, आजादी के बाद इतने दशकों में पंजाब के पास कम ही विकल्प रहे। हम जब अकाली दल के साथ थे, और आज अकाली दल का एक दूसरा रूप ढींडसा साहब के नेतृत्व में हमारे साथ आज भी है, हम जब अकाली दल के साथ थे तो उन्हें बड़ा भाई मानकर हमेशा हमने अपनी छोटी भूमिका को स्वीकार किया था। दिल में सिर्फ एक ही बात थी, जिस बात में पंजाब का भला होगा वही करेंगे। एक समय ऐसा था अकाली दल के पास पूर्ण बहुमत नहीं था,
भाजपा के लोगों के समर्थन के बिना अकाली की सरकार नहीं चल सकती थी। और उस स्थिति में कुदरती न्याय तो यह कहता था कि डिप्टी सीएम बीजेपी का बनना चाहिए था। मेरा साथी मनोरंजन कालिया डिप्टी सीएम बनने के हकदार थे, लेकिन उस समय भी हमारे साथ अन्याय हुआ। बादल साहब ने अपने बेटे को ही डिप्टी सीएम बना दिया, उसके बावजूद भी पंजाब की भलाई के लिए हमारे पास ज्यादा एमएलए थे, सरकार घर जा सकती थी। हमने वो पाप नहीं किया क्योंकि हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ पंजाब का उज्जवल भविष्य है। पंजाब का भला हो, पंजाबियों का भला हो, पंजाबियत अमर रहे, इसके लिए हमने अपने राजनीतिक हकों को भी दरकिनार करके पंजाब की चिंता की है, भाइयों बहनों। लेकिन पहली बार बीजेपी सबसे बड़े और भरोसेमंद विकल्प के रूप में, एक सही विकल्प के रूप में आज पंजाब के सामने आई है। पंजाब एक बार बीजेपी को मौका देगा तो बीजेपी पंजाब का कल्याण करके देगी, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। और मुझे खुशी है कि अब हमारे साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जैसा, ढींडसा साहब जैसा एक प्रभावी अनुभवी नेतृत्व भी हमारे साथ जुड़ गया है। पंजाब को हम मिलकर के आगे बढ़ाएंगे।